प्रदेश में पुलिस की जो वैकेंसी अभी तक के लंबित पड़ी हुई है, जिसको बार बार टाला जा रहा है विभिन्न गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, लगातार उसकी अवहेलना की जा रही है, जिसके कारण हमारे यहाँ के जो बेरोजगार है उन्हें अभी तक के रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो हम मध्य प्रदेश शासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस की वैकेंसी लाई जाए। दूसरा मुद्दा ये है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए लगातार जो सरकारी कर्मचारी है उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, 60 से 62 किया, 62 से 65 किया। अगर इन्हीं के जगह पे उन्हें रिटायर करके अगर दूसरे लोगों को, नौजवानों को मौका देते तो शायद आज स्थिति नहीं आती। और हम जो यहाँ खड़े हैं इसमें से कई लोग आज अच्छी जगह पे वैकेंसीज पे होते। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो है, ये है कि जो सीईटी का जो पैटर्न लाया गया है वो सर्वथा ही गलत पैटर्न है। सिर्फ राजनीतिक अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसके चलते आप सीधे ये नहीं कह सकते कि सीईटी सब पे अप्लाई होगा, क्योंकि हर पेपर का पैटर्न अलग होता है। कुछ 10वीं के बेस पे होते हैं, कुछ 12वीं के बेस पे होते हैं, और कुछ होते हैं पेपर जो कि ग्रेजुएशन बेस पे होते हैं। तो ग्रेजुएशन बेस के लिए सीईटी एक सही पैटर्न होगा, लेकिन जो 10वीं का बेस है, जो आईटीआई से जो फॉर्म भरते हैं और जो 12वीं के बेस के बेस्ट पे जो पेपर देते हैं, उनके लिए सीईटी उनके लिए एक कब्रिस्तान के बराबर होगा। और वो जब खासकर बात करें तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी वो टोटली ही पिछड़ जाएंगे। और जो हमारे यहाँ जो पैटर्न चल रहा है कि जो दूसरे स्टेट के लोगों को नौकरी दी जा रही है और अगर सीईटी लाया जाता है तो शायद ही होगा कि मध्य प्रदेश में अगर मैं 100% कहूँ तो उसमें से 5% ही लोग पास हो पाएंगे, क्योंकि उसका सिलेबस और पैटर्न टोटली ही अलग है। दूसरी बात यह है कि मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आप समझिए कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाल मारता है, तो अभी हम 99% पे 99 पे अभी पानी उबाल नहीं मारेगा, आपको दिख नहीं रहा है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई या इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले समय में और भी हम उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं, तब आपको दिखे शायद कि बवाल हो। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारी मांगे पूरी की जाए, और जो दूसरे स्टाफ है या दूसरी जो वैकेंसी, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट है, जैसे अबकारी की बात करें, टीओ की बात करें, आरटीओ की बात करें, यहाँ पर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ 2016 से वैकेंसी नहीं आई, कुछ में तो 2010 से वैकेंसी नहीं आई। तो आप हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। हम ग्रेजुएशन करते हैं, हमारे माता पिता हमारी शिक्षा पे लाखों रुपए खर्च करते हैं, कुछ तो कर्ज करके या कुछ अपने खेत जमीन बेच के वो चाहते हैं कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी में मिले, रोजगार ले, ताकि हमारी परिवार की जो स्थिति है वो सुधरे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और सिर्फ ग्रेजुएशन कराने से या पढ़े लिखे गधे पैदा करने से ये ऐसे सरकार जो काम कर रही है, हम सब पढ़े लिखे गधे हैं अभी की स्थिति में। क्यों गधे हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो हमारी कैपेबिलिटी है, कोई आईटीआई किया है, कोई बी किया है, कोई बीएससी किया है, उसके हिसाब से हमें हमारी क्षमता के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही है। तो शासन से हमारी उम्मीद है, दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी डिपार्टमेंट में लंबित नियुक्तियां हैं उन्हें लाया जाए और उन्हें पारदर्शी माध्यम से उनके पेपर कराए जाए, पीबी के माध्यम से हो। हम सीईटी पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि आप उनका स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, मैंने बता दिया है। तो बस हमारी ये डिमांड है मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हम पे ध्यान दे, युवाओं पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इसका निराकरण करे, चाहे नोटिफिकेशन लाए, चाहे कुछ ऐसा सिस्टम विकसित करे, ताकि हमें विश्वास भी चाहिए। हम आपके भाषणबाजी और हम आपके सब सुन चुके हैं, हम पे आप कोई भरोसा नहीं है। आप हमें बिल्कुल में एक लिखित और एक सही ऑथेंटिक वे में हमें इसके लिए नोटिफिकेशन चाहिए, ताकि हमारा विश्वास बढ़ सके। हमारी सिर्फ इतनी ही मांग है।